असलमकूम कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है बंट शेडो कामिला शमसी तो हम स्टार्ट करते हैं तो मल्टीपल राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं है। पाकिस्तान ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं पोस्ट कलोनी राइटर में बहुत बात करती हैं इन्हें टू uh, थाउजेंड में वुमेन प्राइज इन फिक्शन भी दिया जा चुका है और ये बहुत इंस्पायर्ड हैं कश्मीरी आका शाही से और इंडियन राइटर सलमान रुशदी से सलमान के स्टाइल को कॉपी भी करता है कंपेरिजन बिटवीन बोथ ऑफ दीस राइटर्स ठीक है ये अभी तक अपनी सात नॉवल्स पब्लिश करवा चुकी हैं जिसमें से जो सबसे करंटली नॉवल पब्लिश हुई थी वो टू में हुई थी अंडर दिमम होम फायर Home, Fire, और 1998 में the City by the sea, इनकी फर्स्ट नॉवल है और जो बंड शेड है वो आज हम कवर करने जा रहे हैं That was written in 2009 ठीक है अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो कामिला शमसी के राइटिंग स्टाइल में हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं मल्टीपल पोस्ट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं और इसके अलावा पोस्ट फेमिनिज्म पे वो बात करती हैं स्टेप फॉरवर्ड और इनका बोल्ड स्टाइल होता है बोल्ड स्टाइल यानी जो सेक्सुअल अफेयर्स वगैरह को बहुत ज्यादा एक्जरेट करके बताती है अपने वक्त में सिम्बोलिज्म का यूज करती है मेटाफोर विविड इमेजरी हमें देखने को मिलती है फेमिनिस्टिक फेमोनिस्टिक बहुत ज्यादा इनके बुक्स में हमें देखने को मिलता है हिस्टोरिकल से लिखती है ये कहती है इन हिस्ट्री पॉसिबल इन द नॉवल ठीक है और इसके अलावा हम जो आज नॉवल कवर करने चाह रहे हैं इवन के उस एक नॉवल में भी हमारे पास तकरीबन मोर देन सिक्सटी ईयर्स का टाइम स्पेंड दिखाती है वो और मल्टीपल जो इवेंट्स इन हिस्ट्री हो चुके हैं ना वो उनको हाईलाइट करती हैं ठीक है थीके? इस नॉवल के अंदर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिरिकल प्रोस में लिखती हैं और इसके अलावा पेनफुल पिक्चर थ्रू द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हमें देखने को मिलते हैं इसके वर्क्स में इनके वर्क्स के अंदर हमें जियोग्राफिकल रोल ऑफ जियोग्राफी यानी जो स्पेस का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो करेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं फ्राम द वन प्लेस टू द सेकेंड एंड द थर्ड प्लेस ठीक है ये रिलेशन बताती है ईस्ट और वेस्ट का अपने वक्स के अंदर इन चीज़ों को हाईलाइट करती है और जो पोस्ट क्रोनिक परस्पेक्टिव में वो तो बड़े बड़े हैं इनके वक्स में ठीक है तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनकी जो नॉवल है बर्न शेडोज ठीक है बर्न शेडोज बेसिकली एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो 2009 में पब्लिश करवाई गई थी और इसको मोर ट्वेंटी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है और इसके अंदर जो टाइम स्पेंड बेसिकली कवर करती है वो मोर देन सिक्सटी इयर्स हम कह सकते हैं क्योंकि वो नाइनटीन फोर्टी फाइव से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो इस बुक के चैप्टर्स यानी फोर पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट नाइनटीन फोटी फाइव से स्टार्ट होता है और टू थाउजेंड था। नाइन इलेवन के बाद टू थाउजेंड वन और टू तक इनका टाइम स्पेंड जाता है ठीक है ओपन एंडिंग इस नावल की हमें देखने को मिलती है क्योंकि इस नावल के जो हमारे देखते हैं इस नावल के अंदर जो रजा का करैक्टर है उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है न्यूयॉर्क में और कुछ भी नहीं होता यानी कोई भी रेजोल्यूशन इसमें नहीं दिखाई गई उसकी मदर उसका वेट करती रहती है और फिर वो यानी कोई रेजोल्यूशन नहीं दिखाएगी उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है और इवन के अगर हम इसकी ओपन एंडिंग को यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे ये नॉवल स्टार्ट होते है तो नॉवल में ही हमें जो सीन नॉवल के प्रोलॉग में देखने को मिलता है ना तो वही सीन हम नोवेल के लास्ट में भी देखते हैं यानी प्रोलॉग में ये दिखाया हुआ है कि एक पर्सन है उसे वो शेकल्ड है बेसिकली तो इन प्रिज़न और वो देख रहा है कि वो यहाँ किस तरह है और लास्ट में भी ऐसे होता है कि वो पर्सन रजा होता है और वो शक्ल हो जाता है ए, ए, इन द प्रिजन और फिर ए, इस यहीं पे नावल का एंड हो जाता है ठीक है तो अगर हम बात करें इस बर्न शेडो के थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में तो ये जो बर्न शेडोज हैं पहले इस नावल का मैं आपको बता दूँ एपीलोग एंड प्रोलोग का मतलब क्या होता है इस नॉवल में एपीलोग है प्रोलोग दोनों दिए गए एपीलोग होता है जो एक राइटर दूसरे राइटर्स के वर्क से ए, ए, कुछ पॉइंट्स या रेफरेंस के तौर पे लेती है और अपने वर्क में उसे ऐड करती है वो आ, आ, अदर्स का रेफरेंस वो एपीलॉग होता है जो प्रोलोग होता है वो स्टोरी के रिलेटेड एक नट या स्टोरी किससे रिलेटेड होने जा रही है उससे रिलेटेड होता है ठीक है तो इस नॉवल का अगर मैं आपको बताऊँ तो इस नावल के प्रोलोग में हमें देखने को मिलता है एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर ये नट बताया हुआ है कि एक वंस ही In the cell, they unshackle him and inst uh, instruct him to strip. हाउ डिड इट कम टू दिस ही वंडर यानी इस तरह ये जो dot है बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ था तो इस वर्ड के साथ इन लाइन्स के साथ ये जो इनका प्रोलोग शुरू होता है जिसके अंदर ये बताया हुआ कि एक पर्सन है जो शक्ल हुआ हुआ है और वो हैरान होता है कि वो यहाँ पे किस तरह आया ये prologue है और अगर मैं आपके epilogue की बात करूँ तो epilogue के अंदर हमें यहाँ पे दो राइटर्स को वो quote करती हैं एज ए रेफरेंस पहला हमारे पास आगा शाहिर था जिससे मैंने बताया आपको कि वो ये कश्मीरी राइटर था कश्मीरी पोइट था उससे ये इंस्पायर्ड भी थी और दूसरा हमारे पास साहिर का इन दोनों के वर्कस की यहाँ ये जो मैंने कोर्ट्स

Uh, जो साहिर की कोटेशंस हैं वो भी यहाँ मैंने कोड कर दी हैं ठीक है थीके? तो इनके साथ साथ हमें इसे ने अपने ये नोवेल का है जो स्टार्ट किया है ठीक है प्रोलोग और एपिलो करने के बाद हमें देखने को मिलता है इसके फोर पार्ट्स ठीक है इस नोवेल के चार पार्ट्स यहाँ पे हैं इस नोवेल को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो बेसिकली ये चार पार्ट ही एक इन अ वेरी सीक्वेंस वे के वो चार हिस्टोरिकल इवेंट्स को बेसिकली हाईलाइट करती है मैं आपको बता दूं कि मेरा नोवेल को आ, या कोई भी लिटरेरी योनरा को डिस्कस करने का पर्पस होता है कि हमें कोटेशन और उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की समझ आ जाए ठीक है क्योंकि जब आप स्टोरी सुन लेते हो ना तो स्टोरी तो आपको हर जगह मिल ही जाती है नेट पे हर जगह स्टोरी अवेलेबल होती है तो जहाँ स्टूडेंट्स को बेसिकली प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि आपको किन की पर्सपेक्टिव के साथ हमने एक योनरा ऑफ लिटरेचर को डिस्कस करना है और उसके अंदर कोटेशन कहाँ कहाँ और किस तरह पुट करनी है ठीक है तो वही बेसिकली मेरा पर्पज़

अब हम देखते हैं इसके अंदर ये चारों पार्ट्स के मैंने बेसिकली नाम लिखे हुए हैं देट अन फोर्टी फाइव दूसरा नाइनटीन फोर्टी सेवन के नाम से तीसरा है जो टाइम स्पेन वो पाकिस्तान का है जिसमें 1982 ये बताया हुआ है और जो चौथा तो पार्ट है वो बेसिकली स्पीडरी टू रिप्लेस लोस न्यूयॉर्क अफगानिस्तान 2001 एंड 2002 ठीक है तो ये इसके चारों के नाम थे अगर मैं इन्हें नटशाल आपको बताऊं यानी स्टोरी तो नहीं बट मेन मेन पॉइंट बताऊं तो पहले के अंदर हम देखते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार लोगों की साइकोलॉजी किस तरह इंपैक्ट हुई थी किस तरह वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को हाईलाइट किया गया है कि वेस्टर्न ने किस तरीके से जापान में हमला किया था नागासाकी में तो वो हमें देखने को मिलती है और यहाँ से किस तरह जो किमोनो जो भेरोकों ने पहनी होती है उसके थ्री ब्लैक रेन के जो प्रिंट होते हैं उसके बैक पर वो प्रिंट हो जाती है और जिस तरह वो सारी ही वो प्रिंट जो होते हैं वो इसकी थ्रू आउट हर लाइफ इसकी सफरी का बायस बनते हैं सेकंड दहली में बताया गया है वो जब वो दहली जाती है सेकंड पार्ट में यही दिखाया गया है कि जो हीरो को दहली जाती है तो दहली में वो क्या देखती कि यहां है कि यहाँ पे कलोनियलिज्म है यहाँ पे जेम्स का करेक्टर दिखाया हुआ है एलिजथ का करेक्टर दिखाया हुआ है तो जो जेम्स है वो इसे हेट करता है और इवन एट द सेम टाइम यहाँ पे कलोनीलिज़म भी है और अभी आज़ादी नहीं हुई ठीक है अभी इंडिपेंडेंस नहीं हुई अभी नाइनटीन का जो चौदह अगस्त है या फिफ्टीन अगस्त है वो अभी नहीं आया ठीक है उससे पहले का यहाँ पर टाइम स्पेंड दिखाया हुआ है वो यहाँ पर आती है और फिर यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज़म है हर कल्चर के लोग यहाँ पर मौजूद है जैसे कि शाहिद हो गए जेम्स हो गए वो इंग्लिश पीपल है ये जापान से है और इसके अलावा जो जेम्स की एलिजथ है वो जर्मन से होती है और अगर हम देखते हैं यहाँ पे शाहिद का करेक्टर सॉरी शाहिद नहीं सजाद, सजाद का काजाद अली अशरफ तो वो पाकिस्तानी है मल्टी कल्चरलिज्म है 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 हमें देखने को मिलता थ्रू द ऑफ हैरी ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो थर्ड पार्ट में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में वो वापस आ गए और पाकिस्तान में किस तरह यहाँ पे अब वो इस्तांबुल से बेसिकली आते हैं और इन्हें फोर्स किया जाता है कि वो कराची में रहें क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही चेंज हो चुकी है ये डायस्पोरा का यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस हमें इन कॉन्सेप्ट के अंदर जो राइटर वो हाईलाइट करवाती है ठीक है

आपको पता है कि 9 का ये वो टाइम स्पैन है ठीक है ठीक तो नाइन इलेवन के टाइम स्पैन के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान और और के थ्रू वो बेसिकली अब्दुल्ला का मुजाहिदीन अफगान मुजाहिदीन को दिखाती है जो मुजाहिदीन के थ्रू जिस तरह जो हिरोको का हस्बैंड होता है ना सजाद वो किस तरह फेस करता है सस्पिशन को उसकी डेथ हो जाती है हैरी की डेथ हो जाती है फिर रसा जो सफरिंग फेस, फेस करता है वो ये जो सफरिंग फेस करती है उन सबको हाईलाइट किया गया है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करें तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है ना वो हम यही डिस्कस कर लेते हैं बंड शेडोज यानी टाइटल टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि जैसे ही फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जो हीरो को है उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स कॉनर्ड ठीक है लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे नागा साकी पर नाइन अगस्त नाइनटीन फोटी फाइव पर नागा साकी पर अटैक हो जाता है ठीक है हमला हो जाता है बॉम्बिंग हो जाती है तो uh, जो हमारे पास मेन करैक्टर ही को उसने बेसिकली किमोनो पहनी होती है किमोनो क्या होता है बेसिकली एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है जापान uh, का तो इसने वो पहनी होती है लेकिन जब भी अटैक होता है तो एक तो कॉन्ड्रट की डेथ हो जाती है वहाँ पे बॉम्बिंग के दौरान दूसरे नंबर पे इसके वो उसके मोनो पर जो थ्री ब्लैक करन बनी होती है वो एयरस इट इज़ इसके बैक पे वो प्रिंट अप हो जाती हैं और इस तरह कंडीशन इसकी हो जाती है कि इसके हैंड तो फील कर रहे थे कि इसकी बैक है लेकिन इसकी बैक फील नहीं कर सकते थी इसके हैंड को ठीक है तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी जो बॉन्ड शेडो है ना यानी उसकी जो बैक है वो बॉड हो चुकी है ठीक है अब यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं इसके टाइटल में टाइटल पहला तो ये इंडिकेट करता है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म ठीक है क्योंकि वहाँ पे जो हमला हुआ था नागा पे ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार का ये टाइम स्पेन किया गया है तो वेस्टर्न एम्पीरियलिज्म हमें देखने को मिलता है इसके थ्रू जिससे जिसकी वजह से यहाँ पे बॉम्बिंग होती है और बॉम्बिंग की वजह से क्या होती है कि इसके आ, आ, डेथ हो जाती है इसके फ्योन्सी की तो यहाँ पे एक तो वेस्टर्न पीरियलिज्म देखने को मिलता है दूसरे नंबर पे पर्सनल लॉस एंड ट्रॉमा हमें देखने को मिलता है क्योंकि लॉस तो ये है कि इसके दौरान वो अपने किसको अपने ये हर को खो, खो देती है ठीक है दूसरे नंबर पे इसका ट्रॉमा भी दिखाया गया कि ये ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है कि जब जब इसकी शादी हो जाती है तो इसका फर्स्ट चाइल्ड चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है और जो सेकेंड चिल्ड्रन होता है रजा होता है तो जो रज़ा होता है वो भी जब रज़ा की शादी की बारी आती है तो इसे ये फ़ेस उसे भी ये फेस करना चाहते हैं कि इसकी जो आइडेंटिटी है बेसिकली वो ऐसी आइडेंटिटी है रजा की कि उन लोगों यानी इसकी मदर वो हैं जो बेसिकली जिन्होंने ट्रॉमा फ़ेस कर लिया और ये याद रखिएगा हमेशा ट्रोमा आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट करता है और ये लोग कहते थे यानी यहाँ पर एक डायलॉग है इसके बारे में जिसमें रजा को कहा गया है दैट यू माइट हैव समथिंग टू पास ऑन टू योर योर चिल्ड्रन क्योंकि वो कहते हैं कि आई हैव सीन द पिक्चर ऑफ़ द बेबीज़ बर्न ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार या ड्यूरिंग या आफ़्टर द वर्ल्ड वार ठीक है तो यहाँ पे ये ये दिखाया गया है कि उस उसके जिसने जिससे उसने शादी की थी करनी होती है तो वो भी बेसिकली सोच रहे होते हैं क्योंकि uh, उसके पास कोई भी ट्रोमा हो सकता है या ऐसा होता है कि जब आपने कोई भी ट्रोमा फेस किया हो ना तो उसकी इम्पैक्ट्स या आप कह सकते हो जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या कोई भी इम्पैक्ट क्टर की सूरत में फिजिकल इंपैक्ट आपकी जनरेशन टू तो जनरेशन वो मूव ऑन होते रहते हैं ठीक है तो हम यहाँ लॉस एंड ट्रॉमा ऑफ द पास्ट देखने को मिलते हैं लॉस ऑफ डिजायर हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे उसने कहा था ये, ये हिरोको ने कहा था कि हम शादी कर लेंगे ना इसके बाद लेकिन क्या होता है कोनर की डेथ हो जाती है फिर इसी तरह हिरोको की साइकोलॉजी उसकी इकोनॉमिकल इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं हिरोको डिसलोकेट हो जाती है ठीक है डिसप्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है हिरोको की तो फिर हिरोको यहाँ पे इसे छोड़ के चली जाती है डर में ठीक है यहाँ आइडेंटिटी को हाईलाइट किया गया है रेजा की इसके थ्रू ही कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो दिखाया गया एज अ चाइल्ड बर्न आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड तो उसकी डिस्टर्ब आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है और हिरोको को जैसे मैंने आपको बताया कि उसके चिल्ड्रन की एक की डेथ हो जाती है तो हिरोको के थ्रू एंड थ्रू हम सफरिंग देखने को मिलती है जैसे यहाँ पे एक डायलॉग है वो कहती है आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस बर्नस ऑन माई बैग बट आई डोंट वॉन्ट पीपल टू जज मी बाय दम ईदर ठीक है तो इस तरह अगर हम कह सकते हैं कि ये जो, जो टाइटल है बहुत ज्यादा सिग्निफाइड है जो टाइटल है वो मल्टीपल परस्पेक्टिव को हाईलाइट करते हैं कुछ हमारे पास पोस्ट कलोनियल परसपेक्टिव है जैसे वेस्टर्न कलोनियलिज्म या वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और कुछ उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं लॉस है ट्रामा है पेन है सफरिंग है तो जो फ्रॉम द फर्स्ट पेज से टूअर्ड्स द एंड पेज ऑफ द नावल हमें देखने को मिलता है ठीक है आई होप सो को यह समझ आ गई होगी नॉवल के स्टाइल के बाद बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि इस नोवेल के का जो स्टाइल है वो हमें बोल्ड स्टाइल देखने को मिलता है यानी सेक्सुअल अफेयर्स को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके बताया हुआ है फिगोरेटिव लैंग्वेज यूज की गई है हमें हमारे मेटाफर हमें देखने को मिलता है सिम्बलिज्म देखने को मिलता है एट द सेम टाइम इसके अंदर ट्रेजिडी हो दिखाई गई है लेकिन कुछ कॉमिक रिलीफ भी आ, को भी हाईलाइट किया गया है बाय मोकरी ठीक है सोशल रियलिज्म के कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं इस नॉवल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके चार पार्ट्स हैं और इसके अलावा ये एक एपिक हिस्टोरिकल फिक्शन है ठीक है अगर हम इस नॉवल के सिंबलिज्म की बात करें तो इस नॉवल के अंदर जो बेसिकली मैंने

को भी शो करती करती है जब ये जो थ्री ब्लैक क्रॉइंस है प्रिंट हो जाती है उसकी बैक पे फिर यहाँ पे दिखाई गई है पिजन जब और दहली आते तो द, दहली का ट्रेडिशन ऐसे दिखाया हुआ है कि कलोनीलिजम के थ्रू वहाँ पे जो पिजन बेसिकली ट्रेडिशन का सिंबल होता है पिजन तो बेसिकली पीस का सिंबल होता है लेकिन वहाँ पे दहली में जैसे कि हमने ट्वेल्थ आइटिन दहली में पढ़ा था तो पिजन वहाँ पे की ट्रेडिशन का सिंबल होता था लेकिन अब क्या है अब वहाँ पे कोई भी ट्रेडिशनली तौर तो पर कोई भी कार्ट नहीं है कोई भी पिजन नहीं है तो वो बेसिकली लॉस ऑफ ट्रेडिशन को सिंबलाइज कर रही है ठीक है अर्चिन का वर्ड यूज़ करता है किसके लिए सजात के लिए अर्चिन का वर्ड यूज किया गया जो बेसिकली इन्फेरियोरिटी का सिंबल दिखाया हुआ है तो इस तरह हम देखते हैं वहाँ पे पर्पल डायरी भी उसकी जो का सिंबल है ग्रे कलर है जो कि नेगेटिविटी का सिंबल दिखाया हुआ है एंड सो ऑन। अगर हम इस नॉवल के थीम्स के बारे में डिस्कस करें तो और थीम्सिव को हम बाद में डिस्कस करते हैं लेकिन उससे पहले जो है, हम उसको देख लेते हैं करेक्टर को अच्छे से सुनिएगा ये नोवेल है बेसिकली हिरोको तनाका जो एक जापानीज टीचर भी होती है ट्रांसलेटर भी होती है उसके इर्द गिर्द घूमती है उसके रिवॉल्व करती है उसकी सफरिंग के इर्द गिर्द और ये वो क्या मैंने आपको बताया कि वो कई मौना पहनती है जिस पर कई ब्रैक रेंस होती हैं और वो उसकी बैक पे प्रिंट हो जाती हैं इसके अलावा ये जर्मन लैंग्वेज भी बोलती है और स्पीक ले, इंग्लिश लैंग्वेज को भी अच्छे से बोल सकती है और ये जब जाती है दहली में तो ये सजाद से जिससे वो बेसिकली बाद में शादी करती है उससे उर्दू भी सीखती है ठीक है अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कॉनरड का करेक्टर कॉनर बेसिकली जर्मा होता तो है जो सात साल हो चुके हैं वो जापान में रहता है और ये जो कॉनर्ड है ये आ, बेसिकली इसके जो लेटर है वो हिरो को ट्रांसलेट करती है बहुत हीरो को एंड कॉनर लव बट जो कॉनर होता है उसकी डेथ हो जाती है ठीक है फिर हम देखते हैं कि जो कॉनरड की सिस्टर है और इसका ब्रदर इन ला जेम्स और आइल्स बेसिकली उनका नाम होता है लेकिन जेम्स को जो को कहते हैं और आइल्स का नाम एलिस्जब भी दिखाया हुआ है ठीक है तो हम देखते हैं ये जो दोनों करेक्टर हैं जो जेम्स के को में कॉलोनीज्म को हाईलाइट किया गया और दोनों का एक सन होता है उनका नाम होता है हैरी ठीक है ये याद रखिएगा एच ए डबल आर वाई ओरिजिनल टेक्स्ट में इसका नाम हैरी है अच्छा हैरी बर्टन इनका इसका नाम होता है और इसकी हैरी की एक डॉटर होती है किम हैरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है क्योंकि जो हैरी है वो बेसिकली रजा के साथ मिलता है जब ये जब थर्ड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है 1982 में तो रज़ा वगैरह से रजा से मिलता है और ये और रजा काम करना आपस में इकट्ठे मिलके सीआईए में काम करना शुरू कर देते हैं तो बेसिकली हैरी का ये दिखा हुआ है कि हैरी सीआईए में काम करता है यानी हम देखते हैं कि जब हैरी की भी डेथ हो जाती है और इसका इल्ज़ाम जो आता है वो रज़ा पे आता है ठीक है और क्योंकि इसलिए हम देखते हैं कि ये जो रजा होता है ना ये हैरी के साथ मिलता है तो जो मुजाहन है वो ये समझते हैं कि इसका इंपीरियलिज्म के साथ यानी वेस्टर्न क्योंकि नाइन अलेवन होने वाला नाइन अलेवन का वाक़ था वहाँ पर ठीक है तो अफगानिस्तान के मुजाहन थे और ऐसा यानी ऐसी सिचुएशन दिखाई हुई है तो इस पर हम देखते हैं कि ये हो गया और फिर हम देखते हैं कि हीरोको का की शादी होती है सजाद से ठीक है ये दोनों बेसिकली भाग जाते हैं इस्तांबुल और इस्तांबुल शादी कर लेते हैं और वहाँ से इनका बेटा होता है रजा और रजा बेसिकली इनका वो सन होता है जो लास्ट पर मैंने आपको बताया ना एक पर्सन है जिसे शक्ल किया गया है ना प्रिजन तो वो रजा ही होता है ठीक है फिर हमें देखने को मिलता है एक अफगानी पर्सन एक बॉय होता है अब्दुल्ला जिसके जो रजा के साथ अब्दुल्ला और रजा बेसिकली आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं और जो रजा है वो अब्दुल्ला के साथ जाता है अफगान कैंप में और फिर उसके साथ वहीं काम करना शुरू कर देता है सो ऑन so और ये अब्दुल्ला ही वो वाहिद होता है जिसको रज़ा बचाने के लिए बेसिकली न्यू यॉक से इसे वापस भेजने के लिए रजा मेहनत करता है लेकिन जो हैरी की ये डॉटर होती है ना कीम ये काम ख़राब करती है मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये समझती है कि जो अफगान ये बेसिकली ना न्यू यॉक की पुलिस को ना कॉल कर देती है क्योंकि इसके इसको जो अब्दुल्ला है उसके अपेन्स नहीं ठीक लग गई होती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पुलिस और अब्दुल्ला की जगह रजा को पकड़ के ले जाती है ठीक है तो यहाँ करेक्टर एनालिसिस हुआ हमारा कवर हम देखते हैं इसके अलावा इसके अंदर हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ये जो नॉवल है ये एक हिस्टोरिकल में भी लिखी गई है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो नावल चार हिस्टोरिकल एरियाज़ को क्लियर करती है पहला नागा सा किए जिसके अंदर नाइनटिन का ये जो हिस्टोरिकल पॉइंट दिखाया हुआ है फिर नाइनटीन में दिखाया हुआ है और उसके अलावा उसके अंदर कलोनीलिज्म और डी कोलोनाइज को दिखाया हुआ है और इसके अलावा, uh, अलावा पार्टीशन को दिखाया गया फिर नाइनटीन के अंदर जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी किस तरह ये कराची से ये इस तरह से वापस आते हैं वो की सिचुएशन किस तरह थी जैसे मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान के यहाँ को फेस किया फिर टू थाउजेंड वन के अंदर जो नाइन हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान के अंदर तो ये सारे पर्सपेक्टिव को हाईलाइट किया गया है इस इन दिशा ठीक है अगर हम बात करें इस नॉवल के अंदर पोस्ट कलोनलिय फेमिनिज्म हमें देखने को मिलता है थ्रू द करेक्टर ऑफ हीरो को ठीक है हम देखते हैं कि हीरो को थ्रू एंड थ्रू सफर करती है हीरो को की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ठीक है हर लोग को डायसपॉडिया फेस करती है और इसके अलावा हर होकर एक हो के हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होता है हीरो को बहुत कुछ खोती है एक फीमेल है देखें ये बहुत कुछ खोती है यानी नाइनटीन का जब होता है तो इसके फ्योन्सी की यानी कोनड की डेथ हो जाती है इसके फादर की डेथ हो जाती है फिर जो नाइनटीन होता है तो वो डिसलोकेट हो जाती है डिसलोकेशन की कहावे ना कि वो जापान से चली जाती है दिल्ली डिसलोकेशन नेशनैलिटी को खो देती है अपने हाउस को खो देती है अपनी आइडेंटिटी को खो देती है ठीक है वहाँ जाके फिर उर्दू सीखना शुरू करती है एंड सो ऑन फिर 1992 में क्या होता है अपने हस्बैंड को खो देती है जब यानी जो सجاد की डेथ हो जाती है फिर 19 2001 में क्या होता है कि वो अपने सन को खो देती है थ्रू द फंडाम इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ अमेरिका ठीक है तो अगर मैं आपसे अगर हम बात करें नेक्स्टली इसके पोस्ट-मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स के बारे में तो पोस्ट पोस्पोलोनी परस्पेक्टिव मैंने आपको बताया था कि भर भर के हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट पोस्पलोनी के पॉइंट्स इस नॉवल में पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पे अप्रोप्रियन अप्रोप्रियशन कैसे कि यहाँ पे मुजाहिदीन का वर्ड यूज किया गया साहिब का वर्ड ऐसे उर्दू के वर्ड यानी अप्रोप्रेशन क्या होता है कि जब राइटर अपने ही नेटिव लैंग्वेज के वर्ड जो हैं वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी इंग्लिश लैंग्वेज में नेटिव लैंग्वेज के वर्ड को जब ऐड किया जाता है दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन तो यहाँ से वर्ड यूज़ किए गए हैं जैसे कि मुजाहिदीन का वर्ड हो गया एंड सो ऑन ठीक है हाइब्रिडिटी हमें देखने को मिलती है अगर हम हाइब्रिडिटी की बात करें तो जो हैरी है हाइब्रिडिटी क्या होता है जब दो कल्चर दो डिफरेंट कल्चर आपस में मिल जाए तो जब एक न्यू कल्चर बनता है विद द मिक्सचर ऑफ टू एग्जिस्टिंग कल्चर तो उस नए कल्चर के अंदर दोनों की एग्जिस्टिंग दो एक्जिस्टिंग कल्चर की जो सारे ट्रेड्स मौजूद हैं तो हैरी हम देखते हैं वो हिंदी भी बोलता है वो इंग्लिश भी बोलता होता है और इसी तरह जो रजा होता है वो मुस्लिम फादर होता है उसकी जपैनीस मदर होती हैं ठीक है हम देखते हैं यहाँ पे मिमिक्री मिमिक्री का मतलब क्या होता है कॉपी करना अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिमिक्री है ना जो हमने देखा कि जो जो सजात है ना वो ला की बुक को पढ़ता है ठीक है वो ला के किसकी होती हैं वो जेम्स की होती हैं है। इसके अलावा सजात उनके उनको सीखने की कोशिश करता है और यहाँ पे मिमिक्री के अंदर हमारे पास दो पॉइंट होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जैसे कि अगर हम उनके बाबा ने अगर आपने मेरी पोस्ट कॉलोनल स्टडीज़ की वीडियोस देखी हो तो वहाँ पे मैंने उसे अच्छे से डिफाइन किया है तो कि जो अगर जो होते हैं ना कॉलोनाइज अगर वो सही से मिमिक कर लेना तो Uh, सही से मिमी कर ले कोलनाइजर्ड को तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो रेवोल्यूशन कर सकें ठीक है थीके? तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो एलिजब है उसकी थोड़ी सी हमें कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है कि वो तुम्हें एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं ठीक है थीके? तो तुम्हें एज इट इज़ अपनी ऊंची चीज़ें ना दो इसी तरह एक हमारे पास एक यहाँ पर कोटेशन भी अगर आप नोट करना चाहें वो कहते हैं मॉडर्न इंडिया विल स्टार्ट द डे वी यूज देयर लैंग्वेज टू टेल दैम टू गो होम ठीक है ये uh, इस की कोटेशन है जिसके अंदर बताता है कि हम उनकी लैंग्वेज को उनके उन्हें उन्हीं के उन्हीं के लैंग्वेज को यूज़ करेंगे ताकि उन्हें उनके घर का दिखा सकें ठीक है थीके? तो यहाँ पे हमें मिमिक्री भी देखने को मिलती है साइकोलॉजिकल तो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जैसे रजा कि की डिस्टर्ब हो जाती है और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो का है उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है ठीक है पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म जैसे कि हमने डिस्कस किया तो यहाँ पे आफ्टर द कोलोनाइजेशन जिस तरह जो हिरोकें uh, हैं वो वो सब कुछ खो देती है ठीक है वो फेस करती है थ्रू द सर्कमस्टांसिज थ्रू द पीपल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट थ्रू द डायस्पोटिक परस्पेक्टिव तो ये सब कुछ वो अपनी सफरिंग्स को फेस करती फेस करती है और उसकी सफरिंग क्या होती है कि उसके uh, पहले अपने उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके फादर की डेथ हो जाती है उसके सन उसे छीन जाता है और उसके फेउसी की डेथ हो जाती है ठीक है डायस्पोरा को फेस करती है अब डायस्पोरा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डायस्पोरा हम देखते हैं कि जो जो गाइस पोर है ना आ, अच्छा तो ये आ, आई होप सो कि ये कवर हो गया ना पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जिसके अंदर वो आ, हमें ही की सफरिंग है और अगर हम डायस्पोरा की बात करें तो डायस्पोरा क्या है एक डिस्प्लेसमेंट हो जाना डिसलोकेशन होती है इसके अंदर होमलेसनेस के थीम्स को हम डिस्कस करते हैं हम डायस्पोरा के देखते हैं कि जो नागासाकी में वो रहती है ना ठीक है जापान में नागा से से जाती है वो जहाँ दहली पे दहली पेडेंटी कंस्ट्रक्शन आइडेंटी उसे देखने को मिलते हैं फिर वहाँ से वो इलोप कर जाते हैं यानी बाग जाती है वो इस्तांबुल में विद सजाद ठीक है फिर सजाद फिर वो वहाँ पाकिस्तान आते फिर उन्हें मजबूर किया जाता है कराची में रहो कराची में फिर वो रहते हैं थे और फिर इसके अलावा फिर वो लास्ट पे फोर्थ पार्ट के अंदर दिखाया हुआ है कि वो आ, वो होती है न्यूयॉर्क में ठीक है तो इस तरह थ्रू एंड थ्रू हमें ड्राइसपोरे के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जिस तरह वो पास्ट को याद करती है और इसके अलावा वो डिस हो जाती है होमलेसनेस होमलेसनेस हमें देखने को मिलती है डिसलोकेशन हमें देखने को मिलती है यहां पे ठीक है हमने देखा है यहाँ पे कलोनियलिज्म तो कलोनियलिज्म किस तरह है कि मैंने आपको बताया जेम्स ऑफ जब दिल्ली का टाइम स्पेंड दिखाया हुआ है बिफोर द डिकोलोनाइजेशन ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन तो हमें ये देखने को मिलता है रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है थ्रू द्थ पार्ट ऑफ़ दिस नाइन इलेवन के जब यहाँ पे अफगानिस्तान का दिखाया गया है तो यहाँ पे दिखाया गया कि वो अफगान कैंप में जाता है रजा अब्दुल्ला के पास और वहाँ पे क्या होते हैं बेसिकली वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं बच्चों को या लोगों को प्रिपेयर कर रहे थे कि वेस्टर्नाइजेशन को वेस्टर्न को किस तरीके से हमने uh, फेस करना है या उनको हमने किस तरह उनका मुकाबला करना है ठीक है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है थ्रू द करेक्टर ऑफ अब्दुल्ला ठीक है यहाँ पे अफगान में मुजादिन का बहुत बड़ा रोल दिखाया हुआ है इवन के जब फ़िश मार्केट में होते हैं फ़िश मार्केट में मिलते हैं अब्दुल्ला रज़ा के साथ और अब्दुल्ला रज़ा को अपने साथ ले जाते हैं और रज़ा क्या करता है वहीं पर रहता है कैंप्स में उनके साथ रहता है और फिर क्या होता है सजाद उसे ढूंढता ढूंढता फ़िश मार्केट में चला जाता है और फ़िश मार्केट में जब वो जाता है तो उसे कहीं दिन तक नहीं मिलता फिर क्या होता है सस्पिशियस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो सजाद है उसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं विद वेस्टर्नाइजेशन क्योंकि वहाँ पे उसका कनेक्शन होता है हैरी के साथ होता है जेम्स के साथ होता है ना तो जिसकी वजह से सजात को जो मुजाहदीन है वो मार देते हैं और जो वो उसकी मदर मर्डर कर देते हैं मर जाता है सजात तो फिर वो क्या करते हैं रजा को भी छोड़ देते हैं ठीक है यहाँ पे मल्टी कल्चरिज्म हमें देखने को मिलता है जैसे कि दहली में मैंने आपको बताया था दहली में क्या है कि जापान भी है का कल्चर भी वहाँ पे दिखाया हुआ है वहाँ मुस्लिम भी है वहाँ इंडियन भी हैं और एट द सेम टाइम वहाँ इंग्लैंड के इंग्लिश पीपल भी है ठीक है आइडेंटिटी क्राइसिस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे हुए हमारे पोस्ट पर्सपेक्टिव्स कंप्लीट अगर हम देखते हैं इसके थीम्स थीम्स वही हैं जो मैंने पोस्ट पोस्टकुलर परस्पेक्टिव के साथ आपको बताया बस थोड़े से थीम्स इसके अंदर डिफरेंट है जैसे कि रिलेशन बिटवीन बिटवीन मैन एंड वुमन मैन एंड वुमन का रिलेशन हेटर की सूरत में हमें देखने को मिलता है और लव की सूरत में भी देखने को मिलता है पहले तो ये कि जो जेम्स है ना वो हिरोको को पसंद नहीं करता ठीक है और जिसकी वजह से जो जेम्स की वाइफ एलिजथ है वो हिरोको के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया हुआ है ना क्योंकि वो ये देखती है कि ये मेरे भाई की फ्योंसी होती है और इवन के उसकी हिरोको की सिचुएशन पर भी वो बहुत ज्यादा उसकी टेक के, केयर करती है और दूसरे नंबर पे जो लव रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है कि जो हिरोको काट के साथ और हिरोको का सजाद के साथ ठीक है थीम ऑफ लव हमें देखने को मिलता है जैसे कि उनकी शादी हो जाती है और इसके अलावा लव देखने को मिलता है बिटवीन द कॉनरेड एंड को ठीक है ईस्ट वर्सेस वेस्ट दिखाया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट है कि जैसे कि हम देखते हैं कि ये सजाद है रजा पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और वहाँ पर न्यू भी दिखाया गया इनके दरम्यान रिलेशन भी दिखाया हुआ है और फिर वो रजा को पकड़ के ले जाते हैं न्यूयॉर्क ठीक है तो यहाँ पर ईस्ट वर्सि वेस्ट दिखाया हुआ है और इसके अलावा वहाँ पे दहली में इंडिया का इंडियन पीपल का रिलेशन विद डैट ऑफ द कोलोनाइजर हमें देखने को मिलता है ईस्ट वर्सेस वेस्ट के अंदर ही हमारे पास पोस्ट कलोनियल जो पर्सपेक्टिव होता है ओरिएंट और ओसीडेंट भी हमें देखने को मिलता है ओरिएंट क्या होते हैं ओरिएंट होते हैं अदर्स ठीक है जिससे कि हमें सजात देखने को मिलता है कि जो जेम्स होता है वो सजात को अपने कपड़े देता है ठीक है अपनी जैकेट देता है एंड सो ऑन और ओरिएंट दिखाए हुए हैं और जो ओसीडेंट है वो बेसिकली वेस्ट होते हैं जो जेम्स के थ्रू देखने को मिलता है वो ये दिखाया हुआ है कि जेम्स एक इंपीरियलिस्ट है और जेम्स ये समझता है कि ये हमारी जैसे हम वाइट बर्ड वाइट मैंस बर्डन जो थेरी हमें देखने को मिलती है तो वो ये अपना फर्ज समझता है जेम्स के थ्रू यानी इम्पीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट किया गया है कि वो समझता है कि ये व्हाइट पीपल का फर्ज है यानी उन पर बर्डन है कि वो ब्लैक को क्या करें ऑन so ठीक है पास्ट देखने को मिलता है कि हिरोको के थ्रू हीरो को अपने पास्ट को याद करते हैं जो उसकी सफरिंग्स का सब बनते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हीरो को मैंने आपको बताया वो इंग्लिश जर्मन उर्दू लैंग्वेज बोलती है और इसी तरह वो रजा को भी मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाती हैं ट्रोमा वॉर हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि उसकी बंट जो बैक है वो बंज हो जाती है उस पर मोनों के प्रिंट हो जाते हैं और इस तरह ये जो ट्रोमा थ्रू एंड थ्रू उसकी लाइफ के साथ चलता है ठीक है थुरू 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 इसके अलावा अगर हम सफरिंग्स ऑफ वुमेन भी हमें हाईलाइट करता है राइटर और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है ना इसके अंदर वेस्टर्न फंडामेंटलिज्म भी हमें देखने को मिलता है एक तो इंपीरियलिजम जितना नाकासाकी होता है कि नाइनटीन फोटी फाइव का अटैक होता है दूसरे नंबर पे हम नाइन इलेवन देखते हैं ठीक है जिसके अंदर नाइन इलेवन के बाद किस तरीके से इस्लामोफोबिया को स्टीरियोटाइप्स को क्रिएट किया गया ठीक है फिर हम देखते हैं कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के अंदर फंडामेंटल्स इस तरह थे कि रज़ा को पकड़ के ले जाते हैं और जिम उसे कि बेसिकली उसे कहती है कि यानी उन्हें क्लैरिफाई करना करने आ, की कोशिश करती है कि मुझसे मिस्टेक हो गई है तो ये वो नहीं है जिसके लिए मैंने कहा था लेकिन जो अमेरिक्यू यॉर्क वाले कहते हैं यानी जो पकड़ के उसे लेके जाते हैं वो कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक काम किया है ठीक है आपने बिल्कुल ठीक किया है कि आपने इसे पकड़ के दे दिया तो इनके अंदर हमें फंडामेंटलिज्म भी देखने को मिलता है पेन सफरिंग लॉस हमें देखने को मिलता है और इस अल्प मिजरेबल पास्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे डिसलोकेशन डिसप्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है पोस्ट कलोनियल प्रस्पेक्टिव कलोनल पर्सपेक्टिव एंड रोल ऑफ जियोग्राफी जियोग्राफी के रोल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल प्लेसेस दिखा

अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा मुझे भी फलस्तीन के पीपल को भी और अगर इसके नावल की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा अगर कोई भी पॉइंट न्यू ऐड करना हुआ तो मैं उसमें पिनअप कर दूंगी ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा रमजान ममाली के बहुत ही मुकदस महीने में इस बहुत ही बाबरकत और मुकदस महीने में मुझे भी फलस्तीन के पीपल को भी जितने भी मुसलमान जितने भी लोग इस दुनिया में मुश्किल में हैं इस वक्त इस मॉडर्न इरा में बेसिकली इस इसरा में जो इतना हमें ट्रॉमा फेस हम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उन सब की आसानी के लिए दुआ कीजिएगा ठीक है अल्लाह हाफिज़